नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आइल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कइल जाए। मंगलवार के महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में पुलिस चार नक्सलियन के ढेर क देलस। सरकार एह चारों नक्सलियन पर 36 लाख रुपया के इनाम लगा दिहले रहुवे। पुलिस से भईल मुठभेड़ में चारों के मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक नीलत पाल बतावले कि सोमवार के दोपहरिया में पुलिस के सूचना मिलल कि आगामी लोकसभा खाती लागू आदर्श आचार संहिता के बीच प्राणहिता नदी पार कर के कुछ नक्सली गढ़चिरौली में घुसल बाड़े। बिहार में होखे वाला लोकसभा चुनाव खातिर एनडीए के ओर से सीट बंटवारा के ऐलान करे से एक दिन पहले पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देवे के ऐलान कैले बाड़े। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के घोषणा हो चुकल बा, लेकिन ऐसन स्थिति में पारस के मंत्री पद से इस्तीफा के कवनो खास मतलब नहीं खे। ओइसे भी उनका एह पद से हटे के पड़ल। सोमवार के ही भाजपा पशुपति पारस के संदेश देले रहे कि एनडीए में उनका खाती कवनो जगह नहीं खे। ईडी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटी के कविता के दिल्ली शराब घोटाला में गिरफ्तार कर ले बा। कोर्ट कविता के हिरासत 26 मार्च तक ईडी के दे देले बिया। 46 साल के कविता राजनीतिज्ञ होखे के अलावे एगो बिजनेस वुमन भी बाड़ी। के कविता 2014 में निजामाबाद से जीत के लोकसभा के सदस्य बन ली। एकरा बाद उ 2019 में लोकसभा चुनाव में हार गई ली। वर्तमान में के कविता विधान परिषद के सदस्य बाड़ी। ईडी के मुताबिक के कविता दिल्ली शराब घोटाला में 100 करोड़ रुपया दे के दिल्ली शराब नीति के प्रभावित कैले रहली। अगर के कविता के संपत्ति के बात कैल जाए तो उनकर कुल संपत्ति 39.79 करोड़ रुपया बा। नकदी के बात कैल जाए तो उनका लगे सिर्फ 1 लाख रुपया बा। चुनावी हल्फनामा के मुताबिक कविता के बैंक खाता में 37 लाख से ज्यादा रुपया जमा बा। एकरा अलावे उ अलग अलग कंपनी के बॉन्ड अवूरी शेयर में 17.88 करोड़ रुपया के निवेश कैले बाड़े। के कविता कुछ सरकारी योजना में भी पैसा लगा देले बाड़ी। ई रकम 2 करोड़ रुपया के बा। एल्विश यादव 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बाड़े। सांप के जहर के तस्करी के मामला में 17 मार्च के पुलिस उनका के गिरफ्तार कर ले रहे। एकरा संगे संगे मीडिया रिपोर्ट में दावा कैल गईल कि यूट्यूबर अपना पे लागल आरोप के स्वीकार कर ले बाड़े। उनका पर गैर जमानती धारा लगावल गईल बा। एकरा बावजूद उनकर वकील उनका के बाहर निकाले के पूरा कोशिश करता रहे। यहाँ उनकर बाप माई मीडिया से बात करके अपन पक्ष पेश कैले बाड़े। संग ही बेटा से मुलाकात के दौरान जवन बतकही भई लोकर भी चर्चा भइल बा। एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव अवूरी महतारी सुषमा यादव बतावले कि बेटा के घर से गिरफ्तार न कैल गईल। हमनी के नोटिस के तहत बोलावल गईल रहे कि आपके बयान रिकॉर्ड करे के होई। आ हम तो खाली अपना लिखा के साथ ही गिल रहनी। दिल्ली शराब नीति घोटाला में आम आदमी पार्टी अवूरी भाजपा आमने सामने आ गईल बा। आप सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के आशंका जतवले ब्यात भाजपा भी जवाबी हमला करत कहलस की अब वो लोग केजरीवाल के बहाना नईखन बनावे वाला। समन से डेरा गईल बाड़े अवूरी तकनीकी बहाना बनावत बाड़े। भाजपा कहलस की केजरीवाल के ईडी से 9 समन जारी भयल रहे अवरू उ 18 बहाना बना चुकल बाड़े। ईडी के प्रेस विज्ञप्ति देखावत आम आदमी पार्टी के नेता आ दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी एक बेर फेरु अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर आशंका जतवले बाड़न। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे, जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरु हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखिये जा।